जब तक तो आके देखेंगे नहीं, जब तक मैं चाह रहा हूँ आप हर को अपने अपनी जबान में बता दें, क्योंकि हर किसी की अपनी जबान होता है। एडवाइस दूंगा कि वो आए आके देखें, जैसे आपका एक फ्री लेक्चर होता है हर सैटरडे को, वो आए आपका लेक्चर सुने। अगर उनके पास खुराना खासा कोई बीमारी है, कोई वेटर है, मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं है तो फोन पे बात कर लें, फोन पे बात कर लें, फोन पे बात कर लें। नहीं, वेबसाइट भी है, वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे samadmuzaffar.com उसकी वजह उसका खौफ है, ये खौफ के एक मतलब के उसके होले के अंदर वो रह रहा है, जिसे आप ओरा कहते हैं, ठीक है। वो जब उसे मतलब के उससे बाहर आएगा तो वो फिर इस तमाम एलर्जी को समझने की कोशिश करेगा। वो खौफ उसे ये कहता है कि अगर तू जरा सा इधर गया तो ये हो जाएगा, इधर गया तो ये फतवा लग जाएगा, इधर गया तो ये हो जाएगा। मैं आप लोग माशाल्लाह इतने कानूनदान जो ऑफिस भी है और सारे कुछ माशाल्लाह इतने कुछ आप लोगों ने डॉक्टर्स भी है आप लोग साथ साथ, यानी मैं ये आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मजहब के हवाले से अगर कोई शख्स इनको एक्सेप्ट नहीं करते आप क्या क्या पैगाम देंगे, या कोई शख्स, मैं समझता हूं सारी बात जो है ना समझने का है, लोग समझते नहीं और कोशिश भी नहीं करते। यानी हमारे दीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलम जहां पर भी हो वो लोग ही चीन में हो और अरब से बहुत दूर तक आप जाकर इलम हासिल करो और वक्त के साथ आप उस वक्त में जाके अपने आप में तब्दीलियां ले। लेकिन हम उस चीजों पे इतना ज्यादा गौर नहीं करते हैं, हम शायद डरपोक डरते हैं कि ये हो जाए वो हो जाएगा, तो इस वजह से हम जाहिली इस दुनिया से चले जाते हैं। हम अपने आप को इतने क्या करते हैं कि इतने खौफ में अपने आप को मुबतला करो कि हमसे कुछ नहीं होता है, वो गौर नहीं करता, अपने ऊपर गौर नहीं करते हैं, गौर नहीं करते हैं, तफक्कुर फिक्र चीजों में लगे हुए ये सब और करो और अपने आप को पहचानने जो वो नहीं है। बहुत कम लोगों ने बाकी दूसरों के जो है बारे में बड़ी फिक्र हो गई उनके, ये करता वो करता, अपने बारे में कुछ नहीं। बिल्कुल एक अंगुली और बाकी चार जो ना इधर चार अपने तरफ होते हैं, अपने बारे में कोई नहीं सोचता मैं क्या हूँ, हमेशा दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं, गलत चीज है। पहले अपने बारे में सोचे, जब किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी को कोई चीज किसी के साथ कर रहे तो वो ये अपने ऊपर करके देखा, अगर ये चीज मेरे साथ होता कोई डरे तो मेरे क्या फील होगी, अगर ये समझ के कर लेना कोई मैं समझता हूँ तो कोई बुराई भी जो है ना बहुत कम होगी। बात वही आई थी अपने पे गौर नहीं करना, अपने गौर फिक्र नहीं करना, तो कहते हैं मैं तो फिर इशारे के भी करीब है तो गौर तो कर अलग जो वाजे पे आने, लेकिन हम तो वो उस पे अभी जो गौर नहीं कर रहे हैं ना वही तो छोड़ दो, हमारी नजर दूसरों पर लगी हुई है और उनकी जो बुराइयां जो उनकी जो अच्छाइयां है उस पर फोकस करते, अपने आप पर फोकस नहीं करते। जब आप खुद फोकस करना शुरू कर देंगे तो इन तमाम चीजों से बाहर निकल आएंगे और हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमें इस दुनिया का पॉजिटिव एनर्जी किस तरह से फैलानी, जब ये हुआ तो हर चीज चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छा साहब, नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त कम है और बिल्कुल खत्म है, यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि इलम जहाँ पर भी हो हासिल करो, दीन इजाजत देते हैं आपको, कुरान इजाजत देते हैं, हादिस इजाजत देते हैं आपको कि इलम जहां पर भी और वो इलम जो इंसान के लिए मुफीद है जिसमें शिफा हो और वो इलम जो आप खुद किसी के लिए मुफीद बन जाए, आपकी वजह से किसी का दर्द टूट दूर हो जाए तो ये इबादत में शामिल होते हैं और इस तरह के आप हमसे कांटेक्ट करें और मुझे डॉक्टर अब्दुल समद को और मेरे अजीज स्टूडेंट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़।